हाय एवरीवन, वेलकम टू अरीब डेरीज। आज की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन किस तरह बनाते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगी। मंचूरिया बनाने का बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, तो यम्मी और टेस्टी मंचूरिया किस तरह बनाते हैं हम आज देखेंगे। उसके लिए आप मेरा इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए, सबसे पहले गोभी मंचूरिया बनाने के लिए हम यहाँ पर गोभी ले लिए हैं, और इस गोभी को हम पहले क्या करेंगे, इस गर्म किए हुए पानी में डाल देंगे और 2 मिनट तक इसको बॉयल कर लेंगे। यहाँ देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो अब हम इसको निकालेंगे। हमें हाफ बॉईल करना है इसको, तो साथ ही यहाँ पर मैंने ठंडे पानी का बॉईल ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी गोभी, क्योंकि इसकी कुकिंग बंद हो जाएगी, ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, हमने निकाल लिया है इसको, हम 50% तक कुक कर लिए हैं। बाकी का हम इसको फ्राई करेंगे, तो तब ये कुक हो जाएगा। तो इसी तरह हम कुक कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको मंचूरियन ग्रेवी बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स है पहले वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन और अदरक ले लिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पर सोया सॉस और चिली और गार्लिक सॉस, केचप और हॉट चिली सॉस, आखिर में वेनेगर, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे हमारे मंचूरियन ग्रेवी बनाने के। अब मैं आपको दिखाऊंगी कोटिंग बैटर बनाने के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मैदा ले लिया है। इस कप से मैं 1.5 कप मैदा इस्तेमाल करूंगी और 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूंगी। एक बाउल मैंने ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी जो हम उबले हुए गोभी। अब इसमें हमने गोभी डाल दी है, इसको पहले हम मसालों से कोट करेंगे, वो मैं साथ ही बताऊंगी आपको। ये देखिए, हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून जितना नमक और 1.5 टीस्पून जितनी लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये चीजें डालने के बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, ऊपर से इसके हल्का सा डाल देंगे। इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इन सब गोभी को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहां पर बैटर के प्रिपरेशन करेंगे। ये 1 कप है, इस कप से मैं 1.5 कप जितना मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर 1/4 कप जितना मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें अब डालूंगी नमक हसब जरूरत और काली मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन चीजों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका थिक सा बैटर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह हमने बनाया है। यहाँ पर मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया था, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने के बाद एक बार इस तरह आप इसको मिक्स कर ले। उसके बाद ये इस तरह हो जाएगा। अब जो हम मैरिनेट कर रखे थे हमारी गोभी को, वो इसमें हम डाल देंगे इस बैटर में, और अच्छे से इसको कोट कर देंगे, और इसको अच्छे से हम कोट कर देंगे। और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह हम गोभी को ले लेंगे
और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। हम इसको बैचेस में फ्राई करेंगे, एक ही बार में हम सारे नहीं डालेंगे, तो हम इसको तब तक फ्राई करेंगे तब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत सी जबरदस्त आ चुका है, तो हम इसको एक टिश्यू टॉवल पर इसी तरह निकाल लेंगे। इसको हम ठंडे होने के बाद सेकंड टाइम भी फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर देखिए हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मंचूरियन ग्रेवी। तो यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून जितना पानी इसमें डाले हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली सॉस और गार्लिक एंड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जितना केचप और 1 टेबलस्पून जितना वेनेगर। अब इन सारे चीजों को हम मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के लिए और इसको साइड में रख देंगे। सॉसेस रेडी हो चुके हैं, अभी दूसरा बाउल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको मिक्स कर कर रख देंगे। तो ये भी ग्रेवी के लिए यूज होगा। अब ये दो चीजें भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर का बैटर भी रेडी हो चुका है और जो हमने सॉसेस इस्तेमाल करे वो भी ग्रेवी के लिए रेडी हो चुका है। तो जो हमने अदरक और लहसुन लिया था उसका हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। अभी यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून जितना ऑयल। इसको गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अनियंस, बारीक चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कैप्सिकम और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से इसमें सॉटे कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे सॉसेस जो हमने रेडी कर कर रखे थे ग्रेवी के लिए। ये इसमें डाल देंगे और इस तरह मिक्स कर देंगे और इसको भी 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर देंगे हम। यहाँ आप देख सकते हैं ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में मिक्स कर कर रखा था, वो डाल देंगे। आप एक बार इसको नीचे से मिक्स करें, इसके बाद इसमें डाल दें। अब यहाँ देखिए अब ये थिक होने लगा है। इसी तरह इसको कुक करते रहेंगे हम। यहाँ देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है, जितना ये कुक होगा सोया सॉस जो है अपना कलर इसी तरह इसमें आएगा, डार्क सा कलर हो चुका है ये। तो ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम गोभी को और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे अब इसी वक्त, क्योंकि हमें कुक नहीं करना है। अगर आप कुक करेंगे तो ये नरम हो जाएगी, हमें इसी तरह क्रिस्पी रखना है इसको। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे गोभी मंचूरियन बनकर रेडी है। आप इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल ले,
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यम्मी और टेस्टी क्रिस्पी ग्रोबी मंचूरियन बनकर रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, घर पे बनाकर देखिए, ज़बरदस्त बनते हैं बहुत ही। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको किस तरह लगी है ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।